जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा था कि किस तरह से हम विंडो 10 वर्चुअल बॉक्स में इंस्टॉल कर सकते हैं, इस वीडियो में हम जानेंगे कि किस तरह से विंडो 10 को इंस्टॉल होने के बाद हम वर्चुअल मशीन में कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। हम विंडो 10 को स्टार्ट कर रहे हैं। जैसा आप देख सकते हैं, विंडो 10 हमारा स्टार्ट हो चुका है। स्टार्ट होने के बाद अभी ये फुल स्क्रीन पूरी तरह से नहीं हो पाया है। इसका रीज़न ये है कि विंडो 10 इंस्टॉल तो हो चुका है, बट इस पे हमने वर्चुअल बॉक्स के ड्राइवर्स इंस्टॉल नहीं किए थे। जैसा कि हमने विंडो 7 में वर्चुअल बॉक्स के ड्राइवर इंस्टॉल किए थे, उसके बाद वो पूरी तरह से फुल स्क्रीन हो पाया था। हम इसमें भी ड्राइवर्स को इंस्टॉल करते। सबसे पहले चीज़ आप माई कंप्यूटर के मैनेज में जाके ड्राइवर्स को चेक कर लीजिए कि सारे ड्राइवर प्रॉपर इंस्टॉल हुए या नहीं। चलिए हम चेक करते। तो दिस पीसी पे आपको राइट क्लिक करना है और मैनेज में जाना है। मैनेज पे जाने के बाद आप पूछिए डिवाइस मैनेजर पर। डिवाइस मैनेजर पर जाने के बाद आप देख सकते हैं इस पे ड्राइवर्स इंस्टॉल हुए या नहीं। जैसा कि येलो ट्राइंगल हमारे अवेलेबल हो रहा है। डिस्प्ले अडाप्टर पे आप देखिए, माइक्रोसॉफ्ट बेसिक डिस्प्ले अडाप्टर इस पे अवेलेबल है। एडीबीसी इसमें वर्चुअल बॉक्स का ग्राफिक अडाप्टर इंस्टॉल नहीं है, जिसकी वजह से ये फुल स्क्रीन नहीं हो पा रहा है। सेकेंड वन इस इसमें अनदर जो इंटरनली ड्राइवर्स यूज़ होते हैं बेसिक सिस्टम के लिए, वो भी इसमें इंस्टॉल नहीं है। हम इंस्टॉल करते हैं। अब माय कंप्यूटर में आप चलिए, दिस पीसी पे हम क्लिक करते तो इसमें आप देख सकते हैं हमारे ड्राइव्स अवेलेबल है। वर्चुअल बॉक्स में ड्राइवर इंस्टॉल करने के लिए हमें वर्चुअल बॉक्स में गेस एडिशन को इंस्टॉल करना होगा। गेस एडिशन इंस्टॉल करने के लिए आप डिवाइसेस में जाइए। डिवाइसेस में लास्ट ऑप्शन आपको मिलेगा इंसर्ट गेस एडिशन सीडी। वर्चुअल बॉक्स गेस एडिशन सीडी अवेलेबल हो जाएगी। सीडी ड्राइव पर आप डबल क्लिक करेंगे तो इसका इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं इंस्टॉलेशन के लिए यह एडमिनिस्ट्रेटर राइट्स रिक्वायर्ड है। हम इसे यस करते। यस करने के बाद इंस्टॉलेशन इसका स्टार्ट हो रहा है। इसका जो वर्जन हम यूज़ कर रहे हैं 6.0.6, हम नेक्स्ट इसे करते। डिफ़ॉल्ट लोकेशन के साथ हम इसे कंटिन्यू कर रहे हैं और इंस्टॉल पर हम इसे क्लिक करते। जैसा कि आप देख सकते हैं इसने ड्राइवर्स इंस्टॉल करने के लिए हमें मैसेज दिया। हम इसे इंस्टॉल करते। इंस्टॉलेशन हमारा कंप्लीट हो चुका है। हम इसे फिनिश करते। ये हमारे पीसी को रीस्टार्ट करेगा। रीस्टार्ट होने के बाद विंडो 10 जिसे हमने वर्चुअल मशीन में इंस्टॉल किया है वो फुल स्क्रीन हो पाएगा और वर्चुअल बॉक्स के जो अनदर फीचर्स है वो भी हम प्रॉपर वे में यूज़ कर पाएंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं विंडो 10 हमारा प्रॉपर फुल स्क्रीन हो चुका है।